हम सभी जानते हैं हनुमान जी उड़ते हैं, लेकिन दोस्तों 99.9% लोग ये नहीं जानते हैं कि हनुमान जी कितने स्पीड से उड़ते हैं। आखिर हनुमान जी एक सेकंड में कितने किलोमीटर उड़ते हैं? आज दोस्तों हम हनुमान जी के उड़ने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपके होश हो जाएगा। आप लोगों ने लड़ाकू विमान को उड़ते हुए देखा होगा, और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि लड़ाकू विमान कितना तेजी से उड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगा कि लड़ाकू विमान से भी कई गुना तेज हनुमान जी उड़ते हैं। और दोस्तों हनुमान जी के उड़ने की गति हनुमान चालीसा में भी लिखा है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। विज्ञान के शोध से भले ही आज कई रहस्यों के बारे में पता चलता है, लेकिन श्री राम चरित्र मानस में विज्ञान से पहले ही कई रहस्यों लिखे जा चुके हैं। आज वैज्ञानिक शोध से पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ग्रहों की गति या चाल के बारे में पता लगाया जा चुका है, लेकिन हनुमान चालीसा में वैज्ञानिकों के पता लगाने से पहले ही पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में बताया जा चुका है। पवन पुत्र महाबली हनुमान, जो कि हवा में भी उड़ सकते थे क्योंकि उसमें वानर गुण था, भगवान हनुमान लंबी लंबी छलांगे भी लगा सकते थे। लेकिन अहम प्रश्न यह है कि हनुमान जी जब हवा में छलांग लगाते थे तब उनकी स्पीड या गति कितनी होती थी? यह जानकर आपको हैरानी होगा कि हनुमान जी के उड़ने की गति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रात 9 बजे से 12 बजे तक लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ था। जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी को बाण लगा तो वे रात के करीब 12 बजे मूर्छित हो गए थे। इसके बाद हनुमान जी रावण के भाई विभीषण के कहने पर सुसेन वेद को करीब रात्रि 1 बजे लंका से लेकर आए थे। सुसेन वेद ने लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हिमालय के पास द्रोणागिरी पर्वत पर 4 तरह के औषधियों को सूर्योदय से पहले लाने को कहा। करीब रात 1:30 बजे हनुमान जी औषधियां लाने निकल गए और 2500 किलोमीटर दूर हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से औषधि लेकर आए। आधे घंटे उन्होंने औषधि ढूंढने में लगा दिया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। आधे घंटे का समय कालनेमी नामक राक्षस से हनुमान जी भ्रमित करने में लगाया होगा, और आधे घंटा का समय भरत जी द्वारा उनको नीचे गिराने में और वापस भेजने में लगा होगा। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी को औषधि लाने के लिए आने जाने में केवल 2 घंटे का समय मिला था। हनुमान जी केवल 2 घंटे में ही द्रोणगिरी पर्वत हिमालय पर जाकर वापस 5000 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे। इस तरह से अनुमानित तौर पर उनके हवा में उड़ने की गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। वहीं वर्तमान में वायु सेना का लड़ाकू विमान मिराज की गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरह से ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी वायु सेना के लड़ाकू विमान मिराज की गति से भी तेजी से उड़कर कई अवरोधों को दूर करके सूर्योदय से पूर्व औषधि लेकर आ गए थे। अब जान लेते हैं हनुमान चालीसा के अनुसार हनुमान जी के उड़ने की गति। हनुमान चालीसा के दोहे की इस पंक्ति, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लियो ताही मधुर फल जानु, उनके उड़ने की गति के बारे में बताया गया है। इस दोहे का अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी कि सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। अब दोस्तों इसे विस्तार से समझते हैं। एक युग मतलब होता है 12000 वर्ष, एक सहस्त्र मतलब होता है 1000, एक योजन मतलब होता है 8 मील। आप दोस्तों ये लिखे हुए जो है आप इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हनुमान जी के उड़ने की गति। अब दोस्तों जानते हैं प्रति सेकंड हनुमान जी की हवा में उड़ने की गति क्या थी। वैज्ञानिकों द्वारा यह बहुत पहले ही पता लगाया जा चुका है कि किसी भी चीज को पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह तक जाना हो तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना होता है, और उसके लिए पलायन वेग का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्पीड नहीं हुई तो वह चीज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बनी रहेगी और पृथ्वी के चक्कर लगाती रहेगी। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज को कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से उड़ना होता है।
इसका मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हनुमान जी ने पृथ्वी से सूर्य तक की यात्रा की है, इसलिए उनके उड़ने या फिर छलांग लगाने की हाई स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड से भी ज्यादा होगी।